हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट स्टूडेंट, यह वीडियो रहेगी आपकी इंग्लिश बेस। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। अगर चैनल पे नए सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, शेयर करिए, लाइक करिए जितना ज़्यादा हो सके, ताकि मैं और ज़्यादा अच्छा कंटेंट आपके लिए बना के ले आऊँ और आपकी तैयारी और ज़्यादा अच्छी रहे। वीडियो को पूरा देखने के लिए एंड तक रहिएगा और वीडियो के आखिर में सारे बच्चे कमेंट करिएगा अपना स्कोर, कितना कितना स्कोर इस वीडियो लेक्चर में सारे बच्चे गेन कर पा रहे हैं। तो देरी ना करते हुए चलते हैं अपने फर्स्ट पोर्शन पे आज के इंग्लिश लेक्चर के, एमसीक्यू लेक्चर के ऊपर। तो ये एंटोनियम साइनोनियम रहेंगे। आपने फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जल्दी जल्दी देना, देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर सही से कर पाते हैं। एडवाइस, एडवाइस का साइनोनियम क्या होगा जल्दी से बताइए। करेक्टली मैच साइनोनियम यहाँ कौन सा होगा जल्दी से बताइए। ए है काउंसिल, बी काउंसिल, सी प्रैक्टिस, डी प्रपोजल। जल्दी बताइए क्या आंसर होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, जल्दी बताइए सारे बच्चे। आई होप मैक्सिमम बच्चे आंसर गेस कर चुके होंगे। तो राइट आंसर आने वाला आपके पास, जिन बच्चों ने नहीं दिया उनके लिए बी द काउंसिल। आप मुझे बताइए इस काउंसिल का मतलब क्या है, जल्दी से बताइएगा। काउंसिल का आल्सो मीनिंग है लीगल एडवाइज़र, याद रखिएगा, लिख लीजिएगा। काउंसिल का मीनिंग क्या है, लीगल एडवाइज़र, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन सामने, जल्दी आंसर करिए। मिजरेबल, जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा इसका। मिजरेबल क्या होता है इसका मतलब। ए ऑब्जेक्ट, बी ऑब्स्ट्रक्ट, सी एब्जेक्ट एंड डी अब्स्ट्रक्ट। जल्दी बताइए क्या आंसर होगा। जल्दी बताइए क्या आंसर होगा। ए है, बी है, सी है या डी है। तो राइट आंसर आने वाला स्टूडेंट आपके लिए एब्जेक्ट, सी इज द करेक्ट आंसर फॉर मिजरेबल साइनोनियम। ठीक है, क्या मतलब होता है एब्जेक्ट और मिजरेबल का, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइएगा। इसका मतलब है स्टूडेंट हेल्पलेस। क्या मतलब होता है, हेल्प लेस, याद रखना। अच्छा चलो बाकियों के मीनिंग देखते हैं। अब्स्ट्रक्ट, अब्स्ट्रक्ट का क्या मतलब होता है। अब्स्ट्रक्ट का मतलब होता है टू हिंडर, याद रखना, टू हिंडर, याद रखिएगा। और अगर बात करें बाकियों की तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब्स्ट्रक्ट का मतलब ही लिटरल अपोजिशन ऑफ कंक्रीट होता है, ये भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन थ्री सामने, जल्दी आंसर करिए। क्यूट, इसका क्या इन चारों ऑप्शन में से राइट आंसर होगा, जल्दी जल्दी आप करिएगा कमेंट। ए है, बी है, सी है या डी है। तो ए ऑप्शन क्या है, साइट, बी साई, सी स्वी एंड डी साइट। जल्दी बताइए क्या आंसर होगा चारों में से। ए है, बी है, सी है या डी है। देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर सही करते हैं। तो इसका मीनिंग डी रहेगा, डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन। ठीक है, याद रखिएगा। अब मुझे बताइए साइड का क्या मीनिंग होता है, जल्दी करिए। साइड का साइनोनियम क्या होगा, वो हो सकता है सीन, याद रखिएगा। और सुई का, जल्दी बताइए सुई का क्या होगा, एस यूई। सुई सुई मतलब होता है टू फाइल अ सूट, याद रखना, सू करना। ठीक है, सू करना, टू फाइल अ सूट होता है अगेंस्ट एनी पर्सन। अगला क्वेश्चन सामने, हारमोनी, हारमोनी का क्या होगा, जल्दी बताइएगा। ए है, बी है, सी है या डी है, कौन सा करेक्ट आंसर रहेगा इसमें से। ए है, बी है, सी है या डी। ए है सिमेट्री, बी सेरेमनी, सी सिमेट्री एंड डी हायरार्की। जल्दी बताइए क्या आंसर होगा। तो आई होप सारे बच्चे गेस कर चुके होंगे, राइट आंसर रहेगा सिमेट्री। ठीक है, सी, सी इज द राइट आंसर। अच्छा, इस सिमेट्री का क्या साइनोनियम होगा, जल्दी बताइए। इसका मतलब होता है ग्रेवयार्ड, ग्रेवयार्ड, याद रखना, ग्रेवयार्ड रहेगा। ये सारे इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस पेपर्स वगैरह में आए हुए हैं। ठीक है, ये वो क्वेश्चन हैं। हायरार्की का क्या होगा, जल्दी बताइए। हायरार्की का
क्या मतलब होता है? हायरार्की मीन होता है सिस्टम ऑफ सोसाइटी इन विच पीपल आर ग्रेडेड इन टू डिफरेंट क्लासेस अकॉर्डिंग टू द सर्टन नॉर्म। हार्मनी इन वैन वैन मैनी थिंग्स वर्क टूगैदर इन द सेम मोड भी कह सकते हो, याद रखना। हारमोनी का मतलब क्या होता है? हारमोनी का मतलब होता है वैन मैनी थिंग्स वर्क टूगैदर इन द सेम मोड, तो सिमिट्री कह सकते हैं, इसीलिए इसको कहा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अनलॉफुल क्या होगा, जल्दी बताइए। अनलॉफुल का क्या आंसर होगा? ए है, बी है, सी है या डी? ए है इलिसिट, बी ड्रॉ, सी इलिगिटिमेट एंड डी इलिसिट। जल्दी बताइए क्या आंसर होगा। आई होप मैक्सिमम बच्चे इसका भी आंसर सही से गेस कर लेंगे। राइट आंसर आपके पास डी रहने वाला है। इसका मतलब क्या होता है? नॉट सेंक्शन बाई लॉ, ठीक है, नॉट सेंक्शन बाई लॉ, इसका डी वाले का याद रखिएगा। और इस इलिसिट का मतलब क्या होता है, जल्दी बताइए। इसका मतलब होता है टू ड्रा अ रिस्पॉन्स विद डिफिकल्टी, ठीक है, याद रखिएगा। अब बच्चा ये इलिगिटिमेट, चलिए बताइए इसका क्या आंसर होगा। ये होता है इलीगल, क्या होता है? इलीगल या अनलॉफुल कह सकते हो, अनलॉफुल भी कह सकते हो, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है हॉटी, हॉटी का क्या रहेगा, जल्दी बताइए। ए है, बी है, सी है या डी है? चारों ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट उत्तर रहेगा इस वर्ड हॉटी के लिए, जल्दी बताइए क्या होगा। ए है, बी है, सी है या डी है? ए है इम्पेरियल, बी है इम्पीरियस, सी है एडमेंट एंड डी है एम्पायर। क्वेश्चन नंबर सिक्स का क्या आंसर होगा, ए बी सी या डी? जल्दी बताइए। तो इसका आंसर रहने वाला है हमारे पास स्टूडेंट सिक्स का बी, ठीक है, इम्पेरियस, क्या रहेगा? इम्पेरियस, ठीक है। अब इम्पेरियस का मतलब क्या होता है? मीन्स ऑफ एन एम्पायर आर इट्स रूलर, ठीक है, याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वाइस, वाइस का क्या होगा इन चारों में से साइन होने, जल्दी बताइए। ए है, बी है, सी है या डी? ए है मोमेंटस, बी प्रैग्मेटिक, सी जुडिशियस एंड डी डिले। जल्दी बताइए क्या आंसर होगा। मोमेंटस, प्रैग्मेटिक, जुडिशियस या डिले में से कौन सा करेक्ट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन के लिए, जल्दी बताइए। ए है, बी है, सी है, डी? तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर इसके लिए रहने वाला आपके पास सी जुडिशियस। मीन हैवी, मीन क्या होता है? हैविंग गुड एट सेंस, ठीक है, गुड सेंस वाले आदमी, ठीक है, याद रखिएगा गुड सेंस, ठीक है। तो मोमेंटस का क्या मतलब होता है, जल्दी बताइए मोमेंटस का क्या मतलब होगा। मोमेंटस होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट पे प्रैग्मेटिक, इसका क्या मतलब होगा? प्रैग्मेटिक का मतलब होता है स्टूडेंट प्रैक्टिकल, इसका साइनोनिम यही रहेगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आ गया लोकेशियस, जल्दी बताइए क्या आंसर होगा इसका। ए है, बी है, सी है या डी है? ए है विक्टोरियन, बी बोम्बास्टिक, सी वर्बस एंड डी एम्बिगियस। जल्दी बताइए चारों में से क्या करेक्ट उत्तर रहेगा क्वेश्चन नंबर एट के लिए। ए है, बी है, सी है या डी है? कौन सा करेक्ट आंसर है इसका? जल्दी बताइए। तो क्वेश्चन नंबर एट का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपके पास रहेगा सी, ठीक है, वर्बोस। वर्बोस मीन क्या होता है, जल्दी बताइएगा। वर्बोस का मतलब होता है यूजिंग आर कंटेनिंग मोर वर्ड देन आर नीडेड। एम्बिगियस का क्या मतलब होता है, जल्दी बताइएगा। एम्बिगियस का मतलब ही होता है हैविंग मोर देन वन मीनिंग, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कोरेजियस, जल्दी बताइए क्या आंसर रहेगा इसका। ए है फिकल, बी इंस्पायर्ड, सी टिमरस एंड डी फियरलेस। जल्दी बताइए चारों में से क्या करेक्ट उत्तर होगा इसका। ए है, बी है, सी है या डी है?
आई होप मैक्सिमम बच्चे आंसर गेस कर चुके होंगे। तो राइट आंसर रहने वाला आपके पास सी टिमिरस। क्या रहेगा? टिमिरस। आप मुझे बताइए फिकल का क्या मतलब होता है? फिकल का मतलब होता है अनस्टेबल। क्या रहेगा? अनस्टेबल। फिकल का मतलब क्या होता है? अनस्टेबल। ठीक है, फिकल का मतलब क्या होता है? अनस्टेबल रहेगा, याद रखिएगा। चलिए इसका मतलब मुझे बताइए, इन स्पीड का, जल्दी बताइए। टेस्टलेस, क्या मतलब रहेगा इसका? टेस्टलेस। इसका एंटो साइनोनियम क्या रहेगा? टेस्टलेस, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन पे, अगले पे क्वेश्चन सामने, जल्दी आंसर करिए, देखते कितने बच्चे इसका आंसर करेक्टली करते हैं। वॉचफुलनेस, इसका साइनोनियम क्या होगा? ए सुपरविजन, बी कस्टडी, सी सुपर इंडिपेंडेंस एंड डी विगिल। जल्दी बताइए क्या आंसर होगा चारों में से। ए है, बी है, सी है या डी? ए है, बी है, सी है या डी? जल्दी बताइए सारे बच्चे। तो याद रखिएगा राइट आंसर इज विगिल। ठीक है, वॉचफुलनेस का विगिल होता है। नीचे एक और क्वेश्चन था, अटैचमेंट, इसका क्या होगा? दो ही ऑप्शन सामने कर रहा हूँ, जल्दी बताइए इनमें से क्या आंसर होगा दोनों में से। याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 के लिए अटैचमेंट का आंसर रहेगा आपके पास एफिनिटी। क्या रहेगा? एफिनिटी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन सामने, जल्दी जल्दी आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा हैज हिज वर्क बीन डन डैश यू। जल्दी बताइए, ये प्रीपोजिशन बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे आपके, जल्दी जल्दी बताइए क्या आंसर होगा चार ऑप्शन में से। ए है फ्रॉम, बी बाय, सी टू एंड डी विद। क्या कौन सी चारों दी गई प्रीपोजिशन में से करेक्टली यहां मैच करती है या जो आप यहां यूज करोगे इसमें? जल्दी बताइए क्या आंसर होगा इसका। ए है, बी है, सी है, डी है? तो याद रखिएगा यहां जो प्रीपोजिशन लगने वाली है आपके पास वो इस तरह से रहेगी, हैज इज वर्क डन, वर्क बीन डन बाय यू। तो बाय कौन सा ऑप्शन है? बी है, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट उत्तर फॉर द क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन सामने, जल्दी आंसर करिए, देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर करते हैं। कह रहे सुमित डिस्टर्ब्ड द स्वीट डैश हिज फ्रेंड्स, सॉरी गलत किया मैंने, द सुमित डिस्ट्रीब्यूटेड द स्वीट्स डैश हिज फ्रेंड। जल्दी से बताइए, डिस्ट्रीब्यूटेड द स्वीट्स डैश हिज फ्रेंड्स। ए अमंग, बी फॉर, सी टू एंड डी विद। जल्दी बताइए चारों दिए गए ऑप्शन में से कौन सा करेक्टली मैच ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। ए है, बी है, सी है या डी है? जल्दी बताइए। देखो हम पढ़ चुके हैं कि अगर दो बंदे हों तो दो के बीच में बिटवीन लगता है, दो से ज्यादा रहेंगे तो हम लगाते हैं अमंग। क्या लगाते हैं बीच में? अमंग लगाते हैं। तो करेक्टली करेक्ट आंसर आपके पास यहां पर ए रहेगा, अमंग। ठीक है, अगर चैनल पे लें तो आप मेरी पुरानी प्लेलिस्ट में जाके बहुत सारी वीडियोस देख सकते हो जो एमसीक्यूज बेस्ड रहेंगी, जो आपकी तैयारी को और ज़्यादा अच्छी कर सकती हैं। इस वीडियो को देखने से पहले वो भी देख सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन सामने, जल्दी आंसर करिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? आई हैव नॉट सीन हिम डैश यस्टरडे। जल्दी बताइए क्या आंसर होगा। आई हैव नॉट सीन हिम डैश यस्टरडे। इस डैश में कौन सी प्रीपोजिशन नीचे दी गई चारों प्रीपोजिशन में आप भर सकते हो? जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताइएगा। ए है, बी है, सी है या डी? जल्दी करिए, जल्दी जल्दी बताइए कौन सा आंसर रहेगा इसका। ए है फ्रॉम, बी टिल, सी सिंस एंड डी बिसाइड। जल्दी बताइए क्या आंसर होगा। आई होप मैक्सिमम बच्चे आंसर गेस कर चुके होंगे इसका। तो कह रहा है कि आई हैव नॉट सीन हिम सिंस यस्टरडे आ जाएगा। सिंस कौन सा ऑप्शन है? सी है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट उत्तर रहेगा आपके पास वो है सिंस, सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन सामने हो गया, जल्दी करिए आंसर सारे बच्चे। और वीडियो के आखिर में सारे बच्चे कमेंट करिएगा अपना स्कोर, कितना कितना स्कोर हुआ, अटेन कर पा रहे हैं इस वीडियो में। जल्दी बताइए क्या आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 का। ही हैज प्रोहिबिटेड डैश डूइंग दिस वॉक।
ए एट, बी फ्रॉम, सी फॉर, डी अपॉन। जल्दी बताइए चारों में से कौन सा करेक्ट उत्तर रहेगा इस क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर फोर के लिए। जल्दी बताइए क्या आंसर होगा, जल्दी बताइए क्या लगेगा। प्रोहिबिटेड एट डूइंग वर्क, प्रोहिबिटेड फ्रॉम डूइंग दिस वर्क, या फिर फॉर डूइंग दिस वर्क, या अपॉन दिस, अपॉन डूइंग दिस वर्क। जल्दी बताइए क्या आएगा चारों में से। तो याद रखिएगा राइट आंसर इस तरह से रहेगा, ही वॉज प्रोहिबिटेड फ्रॉम डूइंग दिस वर्क, तो फ्रॉम बी ऑप्शन है, तो बी करेक्ट उत्तर रहेगा क्वेश्चन नंबर फोर के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन सामने, जल्दी जल्दी सारे बच्चे आंसर करिए। द मैन डैश अ बियर्ड इज माई ब्रदर, द मैन डैश अ बियर्ड इज माई ब्रदर। जल्दी से बताइए इन, ऑफ, फॉर, विद। जल्दी बताइए कौन सा करेक्ट उत्तर रहेगा यहाँ पर, थोड़ा सा गेस करोगे तो आप आराम से इसका आंसर कर सकते हो, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, पहले भी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन है प्रीवियस एग्जाम बेस्ड। जल्दी बताइए क्या आंसर होगा, आई होप मैक्सिमम बच्चे आंसर गेस कर चुके होंगे। तो राइट आंसर स्टूडेंट आपके पास इस तरह से रहेगा, द मैन विद बियर्ड, विद द बियर्ड इज माई ब्रदर, तो डी ऑप्शन करेक्ट उत्तर रहेगा, विद इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर फाइव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सामने कर देता हूँ, जल्दी जल्दी आंसर करिएगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन, आई होप ही इज ओके, आई एम कंसर्न डैश हिम। जल्दी बताइए क्या आंसर होगा, इस डैश की जगह पे कौन सा ऑप्शन, कौन सी करेक्ट प्रीपोजिशन होगी नीचे दी गई जो हम यहाँ फिल कर सकते हैं। ए है एट, बी है विद, सी है फॉर, एंड डी है टू। जल्दी बताइए कौन सा करेक्ट उत्तर रहेगा यहाँ भरने के लिए आपके पास, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइएगा। ए है, बी है, सी है, या डी, जल्दी बताइए। आई होप मैक्सिमम बच्चे गेस कर चुके होंगे इसका आंसर। तो याद रखिएगा क्वेश्चन इस तरह से रहेगा, आई होप ही इज ओके, आई एम कंसर्न्ड फॉर हिम, तो फॉर कहाँ पे है, सी पे, तो सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर सिक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर सेवन कह रहा है, यू शुड नॉट स्टील डैश पीपल। जल्दी बताइए, यू शुड नॉट स्टील डैश पीपल, ठीक है, टू पीपल, अबाउट पीपल, बाय और फ्रॉम पीपल। जल्दी बताइए चारों नीचे दी गई प्रीपोजिशन में से कौन सी करेक्टली मैच प्रीपोजिशन रहेगी क्वेश्चन नंबर सेवन के लिए। जल्दी बताइए कौन सी प्रीपोजिशन ऐसी होगी जो आप इस ऑप्शन में भर सकते हो, ए है, बी है, सी है, या डी है। तो क्वेश्चन इस तरह से रहेगा, यू शुड नॉट स्टील फ्रॉम प्यूपिल, ठीक है, तो डी इज द करेक्ट आंसर, फ्रॉम डी में है, तो डी आपके लिए करेक्ट उत्तर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहे इन द इलेक्शन प्रिया इज कंपेनिंग डैश नीलम। जल्दी से बताइए, इन द इलेक्शन प्रिया इज कंपेनिंग डैश नीलम, टू नीलम, ऑन नीलम, अबाउट नीलम, या फॉर नीलम आएगा। जल्दी बताइए कंपेनिंग टू, ऑन, अबाउट, फॉर, कौन सी डैश यहाँ भरेंगी, ए, बी, सी, या डी। चारों ऑप्शन में से कौन सा करेक्टली मैच ऑप्शन रहेगा यहाँ पर, जल्दी से जल्दी कमेंट करके सारे बच्चे बताइएगा। ऑप्शन ए है, बी है, सी है, या डी, जल्दी बताइए। एट के लिए करेक्ट उत्तर क्या रहेगा चारों दी गई प्रीपोजिशन में से। आई होप मैक्सिमम बच्चे आंसर गेस कर चुके होंगे। तो राइट आंसर कुछ इस तरह से रहेगा, इन द इलेक्शन प्रिया इज कंपेनिंग फॉर नीलम लगेगा, तो फॉर कौन सा ऑप्शन है, डी, तो डी इज द करेक्ट उत्तर फॉर द क्वेश्चन नंबर एट। चलिए नाइन क्वेश्चन पे, क्वेश्चन सामने कर दिए, जल्दी जल्दी सारे बच्चे आंसर करेंगे इसका। द मनी इज हिडन डैश द मैट्रेसेस। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा, द मनी इज हिडन डैश द मैट्रेसेस, अंडर, विथ, एट, आवर। जल्दी बताइए ए, बी, सी, या डी। चारों ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट उत्तर रहेगा क्वेश्चन नंबर नाइन के लिए, ए है, बी है, सी है, या डी। जल्दी बताइए चारों नीचे दी गई प्रीपोजिशन में से कौन सी ऐसी प्रीपोजिशन है जो करेक्टली यहाँ पर एडजस्ट हो सकती है क्वेश्चन नंबर नाइन पे। जल्दी बताइए जो यहाँ पर सुइटेबल आंसर बन के आएगी सामने, ऐसी प्रीपोजिशन बतानी है। तो याद रखिएगा हम उनके मैट्रिसेस के अंदर पैसे छुपाते हैं, तो अंडर लगेगा,
ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो क्या होगा, द मनी इज हिडन अंडर द मैट्रेसेस, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10 सामने है, जल्दी आंसर करिए। गेट द मनी डैश हिम, जल्दी से बताइए। गेट द मनी डैश हिम, जल्दी बताइए क्या लगेगा। ए टू, बी एट, सी बाय एंड डी फ्रॉम, जल्दी बताइए क्या आंसर होगा। ए है, बी है, सी है या डी है, कौन सा करेक्ट आंसर होगा। ए है, बी है, सी है या डी है, जल्दी बताइए। आई होप मैक्सिमम बच्चे आंसर गेस कर चुके होंगे। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से रहेगा आपका, इस क्वेश्चन का आंसर, गेट द मनी, गेट द मनी फ्रॉम हिम, गेट द मनी फ्रॉम हिम। तो याद रखिएगा ये इसका करेक्ट उत्तर था। जल्दी से कमेंट करिए कितना कितना स्कोर आप गेन कर पा रहे हो इस वीडियो लेक्चर में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन के साथ। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, अगर चैनल में नहीं तो शेयर करिएगा, ताकि मैं और ज़्यादा अच्छा कंटेंट आपके लिए बना के लाऊँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।